सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी टीचर मिस शमीम। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस इसी तरीके से फौरन सबसे पहले मिलती रहें। तो आज जो हम ऑप्शंस ये टूल्स पढ़ने जा रहे हैं वो क्रॉप टूल है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है। और क्रॉप टूल को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके ऑप्शंस हैं ऊपर जो आ रहे हैं और किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मैंने क्रॉप टूल पर क्लिक किया, आपको दिख रहा है, नाम भी नज़र आ रहा है और टूल की शक्ल भी आपको नज़र आ रही है। देखें क्या नाम है, क्रॉप टूल, और साथ ही इसका शॉर्टकट भी मौजूद है। आपने जैसे ही इस टूल पर क्लिक किया, आपकी पिक्चर के चारों तरफ ये देखें बॉक्सेस से बन गए और क्रॉप वाली शक्ल बनी हुई आ रही है डबल एरो। और आप इसको नॉर्मल वे में, यानी जैसे ही आपने क्रॉप करना है पिक्चर कटिंग के लिए, जैसे आप मोबाइल वगैरह में पिक्चर क्रॉप करते हैं, आप सिंपली अपनी पिक्चर को इस तरीके से पकड़ के क्रॉप कर सकते हैं। यानी पिक्चर का जितना भी आपको हिस्सा चाहिए आप उतना हिस्सा लेकर क्रॉप कर सकते हैं और एंटर प्रेस कर दें या यस कर दें। अगर कैंसिल करना है तो यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हो और आप अंडू भी कर सकते हो, रीसेट आप दोबारा करवा सकते हो। हमने यस किया और ये देखें हमारा क्रॉप हो चुका है, यानी पिक्चर हमारी क्रॉप हो चुकी है। और रैंडमली क्रॉप हो रही थी कि जब हमने क्लिक किया तो जिस साइड से चाहें हम पकड़ के इसको इस तरीके से अप एंड डाउन छोटा या बड़ा कर सकते थे। कैंसिल किया हमने, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है ओरिजिनल रेशो, यानी फर्स्ट हम यूज़ कर चुके हैं या चेक लगा हुआ था, उसके बाद हमारे पास आ रहा है ओरिजिनल रेशो, मतलब जो पिक्चर का अपना एक साइज है विद और हाइट है उसी रेशो के साथ ये इसके साइज को बड़ा या छोटा करेगा। लाइक आपने क्लिक किया और अब आप पिक्चर को रिसाइज करें, यानी इसकी जो विड्थ और हाइट है उसके मुताबिक ये इस बॉक्स को बड़ा या छोटा करेगा, यानी दोनों साइड से आप इस पर वर्क नहीं कर सकते। यस करना है तो कर ले, नहीं तो हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो कुछ फिक्स रेशियो हैं, जैसे 1.1, और अब आप इसको छोटा करें तो 1.1 रेशियो के साथ आप देखें कि ये इस बॉक्स को आप इधर उधर पिक्चर को मूव भी कर सकते हैं, यानी लेकिन इस रेशो को क्या रखेगा, ये 1.1 रेशो के साथ बड़ा या छोटा करेगा। इसको भी हमने कैंसिल किया। और अगर हम खुद से कोई रेशो बनाना चाहते हैं, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट लिखे हुए काफ़ी सारे, लेकिन अगर हम खुद से कोई रेशो बनाना चाहते हैं लाइक जैसे मैंने यहाँ पर 3 और 4 और इंचिस में लेना चाहते हैं IN, और यहाँ पर भी आके मैंने IN यानी इंचिस को शो करवा दिया। 3.4 मैंने विद और हाइट के साथ इसका रेशो बनाया और अब इसको आप बड़ा या छोटा करें और यस कर दें और ये हमारा रेशो बन चुका है। ठीक है, और आके इमेज साइज पर आते हैं और यहाँ हम इमेज का साइज चेक कर सकते हैं और ये हमारे इमेज का साइज आ गया, यानी हमने जो रेशो बनाया था उसके मुताबिक हमारा साइज बन चुका है 3.4। और अगर इसी रेशो को हम मजीद कंटिन्यू करें, यानी पिक्चर हमें किस तरफ से चाहिए, हमने यस कर दिया और यस करने के बाद इमेज साइज को चेक करते हैं और ये देखें आप इसका साइज तकरीबन वही है जो हमने रेशो दिया था। और इस रेशो को हम सेव भी कर सकते हैं, यानी एक रेशो हमने बना लिया और इसको आप यहाँ से सेव करवा लें, वो रेशो लिखा हुआ रहा है, अपनी तरफ से कोई और नाम भी लिख सकते हैं। आपने ओके किया और आप यहाँ आकर चेक करें तो आपको रेशो सेव हो गया, लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, यानी सेव प्रीसेट हो चुका है। अगर सेव करना है लेकिन आपने डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दें इस रेशो को, यस, और हमने इसको डिलीट कर दिया, कैंसिल भी कर दिया सर, और अंडू किया, अगेन कंट्रोल जेड ऑल्ट कंट्रोल जेड, यानी अंडू अगर बैक आपको बार बार करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर साइज और रेजोल्यूशन आ रही है सर, आपने क्लिक किया, आप खुद से एक साइज बना के क्रॉप करना चाहते हैं, लाइक मैंने 11 इसकी रखी, हाइट नहीं विद रख लेते हैं 8 और हाइट रख लेते हैं 11 और रेजोल्यूशन लाइक हमें प्रिंट निकलवाना है, रेजोल्यूशन 300 रख ली। ये रेशो हमने खुद बनाया क्रॉप इमेज साइज रेजोल्यूशन के साथ
और ओके किया, और देन ओके किया, ये हमारे पास बना हुआ आ गया। अब आप इसको रिसाइज करें उसी रेशो के साथ, ये रिसाइज करेगा इस तरफ से भी आपको चाहिए। उसके बाद हमने यस कर दिया, और यस करने के बाद कंट्रोल जीरो कर लें, फिट टू विंडो, और आप इमेज साइज पर आएँ और साइज चेक करें, तो वही 8.11 और 300 रेजोल्यूशन आपको प्रिंट के लिए वही साइज तैयार मिलेगा जो आपने इस वक्त सेट किया था। और दोबारा इसको अंडू करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट जेड और कंट्रोल जीरो, फिट टू विंडो, पिक्चर को दोबारा हमने बड़ा कर लिया। अगेन हम क्रॉप पर आ गए, रोटेट पर अगर क्लिक करते हैं तो विद हाइट में और हाइट विद में कन्वर्ट हो जाती है जो भी आप साइज लेते हैं। हमने कहा चले जी हमें कोई भी रेशो नहीं चाहिए, नॉर्मल वे में हम इसको क्रॉप करना चाहते हैं, तो हमने इसकी साइज को हर चीज़ को नॉर्मल कर दिया। और इसके बाद हमारे पास स्ट्रेट एक ऑप्शन आ रहा है, स्ट्रेटन, इसके लिए पिक्चर दूसरी मैंने ली हुई है, इसको यूज़ कर लेते हैं। और स्ट्रेटन मतलब पिक्चर लेते हुए अगर हमारा कैमरा थोड़ा सा घूम गया, रोटेट हो गया, पिक्चर थोड़ी सी रोटेट हो गई, और अब हम इसको बाद में सीधा करना चाहते हैं, तो आप क्रॉप पर जाइएगा, नॉर्मली हमने क्रॉप पर क्लिक किया, और उसके बाद आप स्ट्रेटन पर क्लिक करिएगा यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद जिस तरफ से भी आपने इसको स्ट्रेट करना है पहले वहाँ एक दफ़ा क्लिक करिएगा, फिर माउस को प्रेस करते हुए मतलब एक लाइन सी खींच दीजिएगा जहाँ तक आपको स्ट्रेट करना है, मैंने लाइन यहाँ तक खींची और उसके बाद यस कर दिया। और ये देखें हमारा व्यू, देखें कंट्रोल जीरो फिट टू विंडो, पिक्चर हमारी स्ट्रेट हो गई, यानी टेढ़ी हो रही थी पिक्चर हमारी सीधी हो गई। मतलब इस तरीके से हम अपनी पिक्चर को सीधा भी कर सकते हैं अगर कैमरा घूम गया, हाथ घूम गया थोड़ा सा उस वक्त, तो उसके लिए मैंने उसी के हिसाब से पिक्चर रखी हुई थी ताकि आपको बता सकूँ, कुछ ऑप्शन उसी हिसाब से बताए जा सकते हैं। उसके बाद रूल ऑफ थर्ड आ रहा है, और अगर हम इसको यानी कि क्रॉप करते हैं, डोंट क्रॉप, दोबारा ले लिया, डबल क्लिक हो गई थी गलती से, अच्छा जी क्रॉप टूल है हमारे पास, रूल ऑफ थर्ड नज़र आ रहा है हमें, यानी कि अगर आप देखें तो 1, 2, 3 रो और 1, 2, 3 कॉलम, ये पिक्चर्स लेने के हिसाब से रूल ऑफ थर्ड को बड़ी वैल्यू है। पिक्चर्स इसके अंदर रखिए, बहुत अच्छा सा व्यू ले सकते हैं, ये इस वक्त मौजूद है यानी रो एंड कॉलम, लेकिन अगर आपको क्रॉप का लुक ये पसंद नहीं आ रहा तो आप ग्रिड रख लें। अगर आप डायगोनल रखना चाहते हैं स्टाइल, ये देखें क्रॉस से कुछ नज़र आ रहे होंगे आपको, पिक्चर भी कलर में मैच हो रहे हैं, ये एक और स्टाइल है, यहाँ देखें एक और स्टाइल है, गोल्डन रेशो, और ये आपके पास गोल्डन स्पायरल आ रहा है, डिफरेंट किस्म के आपको डिज़ाइन बने हुए नज़र आ रहे हैं। और आई थिंक सो कि इस पिक्चर पे शायद इतने बेहतर नज़र नहीं आ रहे, हम बराबर वाली पिक्चर पे देख लेते हैं। यहाँ अगर आप देखें रूल ऑफ थर्ड, यानी यहाँ अगर आप चेक करना चाहें पहले क्लिक कर लें, यानी आपने इसको यस किया, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ रहा है रूल ऑफ थर्ड, आपके पास आ रहा है ग्रिड, आपके पास आ रहा है डायगोनल, आपके पास आ रहा है ट्रायंगल, आपके पास आ रहा है गोल्डन रेशो, और ये गोल्डन स्पायरल आ रहा है, ये देखें यहाँ नज़र आ रहा होगा स्पायरल, और इस स्पायरल को आप रोटेट कर सकते हो, यानी अगर आपने ये सर्कल ओवरले दिया हुआ है इसको ओरिएंटेशन, यानी आप इस तरीके से घुमा सकते हो जिस तरफ भी आप इसको रोटेट करना चाहो, यानी आप इसकी रोटेशन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर साइकिल ओवरले, तो ये दोबारा देखिए वही डिज़ाइन आपके पास आ गया, ऑटो शो ओवरले, आपको अगर ये नहीं देखना ओवरले इसके ऊपर जो नज़र आ रहे हैं डिज़ाइन बने हुए, कोई भी नहीं देखना चाहते कि आप जस्ट क्लिक करें तो उस वक्त नज़र आए, और अगर आप चाहते हो नेवर शो ओवरले, मतलब आप माउस क्लिक भी करो तब भी आपको ये कुछ डिज़ाइन या ग्रिड वगैरह नज़र ना आए, लेकिन हम चाहते हैं ऑलवेज शो, कि क्लिक करें तो हमेशा ये बने रहे डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ तक यकीनन आपको समझ में आया होगा, दोबारा सी पिक्चर पर आ जाते हैं, और हम ऑलवेज देखना चाहते हैं ग्रिड वगैरह, यानी जब हम क्लिक करते हैं कोई भी ग्रिड है, रूल ऑफ थर्ड है, ऐसे करके बने हुए आ रहे होते हैं, आप चाहते हो ऑटो शो, मतलब जब आप क्लिक करें तो उस वक्त ये बने ऐसे करके, जब आपने क्रॉप करना है, और जब नहीं करना तो गायब हो जाएं, ऑटो पे लग जाएं, लेकिन नेवर शो मतलब जब भी आप क्रॉप वगैरह कुछ भी करें तो नज़र ही ना, लेकिन हम क्या चाहते हैं ऑलवेज शो, मतलब जब भी आप यूज़ करेंगे हमेशा आपको ये नज़र आएंगे, यकीनन यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा क्रॉप। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऑटो सेंटर प्रीव्यू,
यूज क्लासिक मोड, ये इसका अपना एक क्लासिक मोड है जिस पर आप यूज करोगे तो रोटेशन वगैरह, यानी आप अगर यूज करते हो तो ये सिर्फ इसको रोटेट करेगा, यानी पिक्चर को नहीं जो आपका ग्रिड है। लेकिन अगर आप इस पर से चेक हटा दो और अब आप रोटेट करके देखें तो ये देखें पूरी पिक्चर को आप रोटेट कर सकते हैं ग्रिड के बजाय। ठीक है, ये था इसका यूज क्लासिक मोड। और शो क्रॉप सेंटर, ये देखें क्रॉप बिल्कुल सेंटर में करके दे देगा, नहीं शो करना या आप शो करना चाहते हैं। और उसी के साथ इनेबल ऑपेसिटी, यानी ये जो क्रॉप हिस्सा बच रहा है बीच वाला छोड़ के, इसको आपने डार्कर देखना है या वैसे ही लाइटर देखना है या फिर कोई कस्टम कलर यूज़ करना है। ये देखें ये कस्टम कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑपेसिटी को अगर आप डार्क करें तो बहुत डार्क भी रख सकते हैं, बहुत लाइट भी रख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद हमारे पास है डिलीट क्रॉप पिक्सल। अगर हम इसको यस कर देते हैं और अगेन इसको बड़ा या छोटा कर, तो आप देखें क्रॉप चीज़ें हमें दोबारा, यानी कि अपनी पिक्चर दोबारा दिखाई दे रही है। अच्छा जी, और अगर हम डिलीट क्रॉप पिक्सल्स पर चेक लगा देते हैं और फिर यस करते हैं, अब हम अगर इसको क्रॉप करके बड़ा करेंगे तो वो देखें दोबारा कोई गुंजाइश नहीं रहती, वो पिक्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यानी अगर आप चाहते हो कि आपने दोबारा इसको एडिट करना है तो आप इसमें से चेक हटा दें कि वो आपको दोबारा पिक्चर ओरिजिनल मिलेगी, लेकिन आपको लगता है कि आपका काम डन है तो फिर आप चेक लगा दें और आंख बंद करके यस कर दें। तो यकीनन यहाँ तक आपको क्रॉप समझ में आएगा। क्रॉप बेसिकली पिक्चर की कटिंग के लिए, और उसके बहुत सारे मतलब तरीके थे कि आपने कौन कौन से यूज़ करने हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ये भी पिक्चर की कटिंग के लिए, लेकिन आप देख रहे होंगे कि पर्सपेक्टिव, एक पिक्चर मैंने निकाली हुई है जिसका व्यू कुछ पर्सपेक्टिव है, और इस टूल को हम बड़े आराम से यहाँ यूज़ कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल पर मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर, यानी जहाँ से भी पिक्चर को कट करवाना है वहाँ मैं क्लिक कर रही हूँ। क्रॉप का बेसिकली मकसद तो कट करना ही है, लेकिन ये पर्सपेक्टिव व्यू के लिए है, बेहतरीन है। क्लिक किया मैंने जैसी के पिक्चर का लुक था, उसके बाद यस कर दिया और कंट्रोल जीरो कर दें फिट टू विंडो, तो देखें वो पिक्चर बिल्कुल पर्सपेक्टिव व्यू में थी और आपको बिल्कुल फ्रंट से नजर आ गई। यानी कोई चीज़ आपको पढ़नी हो, फ्रंट पे देखनी हो या फ्रंट लुक लेकर आना हो तो आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट जेड, मैंने दोबारा इसको अंडू किया। और अगर हम पर्सपेक्टिव कट तो करना चाहते हैं लेकिन रेशो खुद सेट करना चाहते हैं, हाइट और विड्थ वगैरह, यानी हम चाहते हैं ये जब आप हमारे पास पर्सपेक्टिव व्यू में आए तो हमारे साइज़ के मुताबिक आए, तो इसकी विड्थ मैंने 8 रख दी और हाइट रख दी 11 और रेजोल्यूशन 300 लाइक प्रिंट के लिए तैयार कर रहे हैं। स्विप भी करवा सकते हैं विद और हाइट को, जगह चेंज हो सकती है। उसके बाद अब मैंने सेट करने के बाद अब क्रॉप को यूज़ किया, अगेन पर्सपेक्टिव क्रॉप को यूज़ कर रहे हैं याद रखिएगा। और मैंने इस तरीके से करने के बाद एंटर प्रेस कर दें या यस कर दें, और पिक्सल्स में साइज था इंचिस में देना है और मेजरमेंट के यूनिट्स हम लिखना भूल गए थे, तो देखें कितना नन्ना मुन्ना सा साइज आया है, क्योंकि हम प्रिंट के लिए तैयार कर रहे हैं तो इंचिस लिखना मस्त था। ठीक है, ये इंचिस मेरे पास आ चुके हैं, अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ और ये देखिएगा आप इसका साइज, अगेन क्लिक किया और यस कर दिया। ठीक है जी, कंट्रोल जीरो फिट टू विंडो और इमेज साइज जाके चेक करें तो वही विद और हाइट और रेजोल्यूशन हमें मिलेगी, यानी प्रिंट के लिए बिल्कुल रेडी है। जिस साइज में भी हम चाहते हैं उस साइज में हम पर्सपेक्टिव व्यू ले सकते हैं। और दोबारा इसको अंडू कर लेते हैं, कंट्रोल ज़ीरो कर लेते हैं, हमारे पास आ रहा है फ्रंट इमेज, यानी ये बता रहा है इसका अपना ओरिजिनल साइज़ जो भी इसका बिल्कुल सामने से दिख रहा है। अब अगर मैं इसकी कटिंग करती हूँ, यानी 16 or 10 समथिंग है, और मैंने फ्रंट इमेज पर क्लिक किया हुआ, यानी कि जो हमें इसका फ्रंट इमेज या जो इसका साइज़ ओरिजिनल है वो हमने देखा है, और यहाँ पर आके हमने इसको अगेन लिया और फिर हमने यस कर दिया। अब अगर कंट्रोल ज़ीरो फिट टू विंडो करते हैं, अब इमेज साइज़ अगर हम जाके चेक करें तो वही साइज़ आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ था, यानी फ्रंट इमेज साइज़ लेकर भी आप काम कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट जेड,
उसी साइज में आप प्रिंट वगैरह निकाल सकते हैं जो इसका ओरिजिनल साइज है। क्लियर कर दें रेशो जो आपने लिखा था और अब आप नॉर्मली उसको पर्सपेक्टिव व्यू में ले सकते हैं। ग्रिड लिखा हुआ है, अगर आप इसको कट करते हैं ऐसे करके, यानी कि आपने पर्सपेक्टिव व्यू लिया इस तरीके से, और अगर आप इसके व्यू में ग्रिड को भी लेना चाहते हैं तो ग्रिड ले लें अगर आपको ज़रूरत है, नीड है, तो अगर नहीं लेनी तो चेक हटा दें। और क्रॉस करना मतलब कैंसिल करना है कि आप नहीं करना चाहते। तो यकीनन यहाँ तक की क्लास और आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। हमने क्रॉप टूल को पढ़ा और उसके बाद पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को पढ़ा। इंशाल्लाह आगे अगली क्लास में मिलते हैं अगले टूल्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।